वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब दा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि बच्चियां दी कामयाबी दे लई मां बाप एक काम जरूर करन, तां ओ केड़े काम आ किंज साडे बच्चियां नूं कामयाब बनाउंदे ने। इह सारी गलबात आपां अज दी वीडियो दे विच करांगे। इस करके वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना, क्योंकि जदों आपां अद्धी अधूरी गल सुणदे आ तां गल दी पूरी समझ नहीं आती कि समझाने की कोशिश की है। इस करके वीडियो नूं पूरा सुनना। जेकर यह वीडियो तुहानूं चंगी लगी तो फिर इसनूं लाइक अते शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स दे विच जाके धन गुरु नानक देव जी जां फिर वाहिगुरु जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, आपां अक्सर देखते हैं कि जिहड़े भी बच्चे अपनी मां तों दूर रहिंदे आ, उह दूर भावें पढ़ाई करके रहिंदे होण चाहे कमाई करके रहिंदे होण, किसी भी कारण करके दूर आ ना, पर बच्चे दे उत्ते कोई भी मुसीबत होवे, कोई औखी घड़ी दे विच होवे, बच्चा चिंता दे विच होवे, तां मां दूर बैठी भी पहचान जांदी है। दूर बैठी नूं अंदाजा लग जांदा कि मेरे बच्चे दे उत्ते कोई ना कोई मुसीबत बनी है, मेरा बच्चा अज परेशान है, क्योंकि उहदा मन बेचैन हो जांदा, उहदा मन वार वार अपने बच्चे नूं याद करदा है, उहनूं इक खिच पैंदी आ। तां फिर आपां देखदे आ ना, कई वार मां दा अचानक फोन आ जांदा है कि पुत की गल आ, मेरा वार वार तेरे वाल ध्यान जा रहा सी, तेरी बड़ी चिंता हो रही सी, तू ठीक है, तेनू कोई परेशानी तो नहीं, तेनू कोई चिंता तो नहीं। तो उदो आपां इह सोच के हैरान हो जांदे वी साडे मन दी चिंता साडी मां नूं किंज पता लग गई, साडे दिल दा दुख साडी मां तक किंज पहुंच गया, क्योंकि मां नूं बच्चे दे दिल दी हर हालात पढ़ने आउंदे आ। उह भावें दूर बैठी है ते भावें कोल, उह बिना बोलियां बिना कुछ कहां ही समझ जांदी आ कि मेरे बच्चे दे मन दे अंदर की चल रहा है। इह रिश्ता ही कुछ ऐसा है, पता नहीं मां दे कोल केड़ी ऐसी शक्ति आ जिहदे नाल उहनूं झट ही बच्चे दे दुख सुख दा अंदाजा हो जांदा है, क्योंकि बच्चे अते मां दा रिश्ता सब तों खास आ, सब तों नेड़े दा है। मां अपने बच्चे दे मन दी भावना नूं पढ़ लैंदी आ। तां इसे करके अज दी वीडियो दे विच मावां दे लई कुछ खास काम दसन जा रहे हैं जो मावां ने अपने बच्चियां दे लई करने आ, तां जो उहनां दा बच्चा अपनी जिंदगी दे विच हमेशा अगे वध सके, कामयाब हो सके, खुश रह सके। तां मावां ने की करना है, उस तों पहलां आपां जाणदे आं कि बच्चे नूं कामयाब तंदुरुस्त तरक्की हासिल वास्ते करना की पैणा है, उहदी कामयाबी तरक्की दे लई कहिड़ियां-कहिड़ियां चीज़ां जरूरी ने। तां सब तों पहलां उहदे शरीर दी तंदुरुस्ती, उस तों बाद उहदे मन दी खुशी, तीसरा उहदे कोल चंगा ज्ञान होवे, चंगी जानकारी होवे, उस तों बाद कि उह किहड़े दोस्तां मित्रां दे विच उठदा बैठदा है, भाव कि संगत चंगी होवे, उस नूं अपने लक्ष्य अपनी मंजिल दा ज्ञान होवे कि मैं जिंदगी दे विच बनना की आ, की प्राप्त करना चाहुंदा हां, क्योंकि जेकर मंजिल मिथी होवेगी तां उहदे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अपनी मंजिल अपने लक्ष्य प्रति इरादा पक्का होवे, कॉन्फिडेंस आत्म विश्वास होवे, पर इह सारियां चीज़ां कितों मुल नहीं मिलदियां, इन्हां दे विचों कुछ चीज़ां सानूं खुद कमाउणियां पैंदियां ने अते कुछ चीज़ां सानूं साडे माता पिता वल्लों मिले संस्कारां चों मिलदियां ने। इन्हां दे विचों कुछ गल्लां साडे माता पिता सानूं सिखाउंदे आ। तां मां बाप दा सिर्फ इन्ना क फर्ज नहीं कि अपने बच्चे दे चंगे कपड़े लैते, खाण पीन नूं चंगा देता, बच्चियां दीआं रीझां चा पूरे कीते, रीझां चा पूरे करन दे नाल नाल अपने बच्चे दे लई अरदासां बेनतियां करन दे नाल नाल अपने बच्चे नूं चंगा ज्ञान वी देना है, चंगे संस्कार देने आ। सियाणे कहिंदे ना वी कदे वी इह ना कहो कि मैं अपने बच्चे दे लई बहुत सारा धन जोड़ के रखना है तां जो मेरा बच्चा जिंदगी दे विच सौखा रह सके। सियाणे कहिंदे अपने बच्चे नूं धन कमाउण दे योग बनाओ, अपने बच्चे दे लई सुख सहूलतां इकट्ठियां ना करो, उहनूं सुखी रहण दे राह दसो, तां बच्चा जिंदगी दे विच सुखी रह सकदा है, क्योंकि हर एक बंदे दी जिंदगी दे हालात स्थितियां बदलदियां रहिंदियां ने। ते अपने बच्चे नूं इन्ना क योग बनाउणा है, इन्ना काबिल बनाउणा कि उहदी जिंदगी दे विच जिद्दां दी मर्जी कोई स्थिति आ जावे, हालात बन जाण, उह अपनी जिंदगी विच खुश रह सके, अपनी जिंदगी दे विच सुखी रह सके। तां इस करके अपने बच्चे नूं चंगा ज्ञान देना है, चंगे ज्ञान दे नाल जोड़ना है। मुकदी गल इह आ कि अपने बच्चे नूं गुरु दे लड़ लाउणा है, क्योंकि गुरु दा ज्ञान
गुरु दी मत ही सब तो अनमोल तोहफा है। जो बच्चा बचपन तो ही गुरु दे लड़ लग गया, गुरु दा ज्ञान हासिल करना शुरू कर दिता, ओदी जिंदगी दी निराशा, ओदी जिंदगी दा आलस, दलिद्र अते कई तरह दा कलेश मुक जांदा है, क्योंकि उस बच्चे नूं सही गलत दा ज्ञान हो जाएगा कि केड़ा काम मेरे लिए सही है केड़ा गलत है, फिर वो भुल के भी कदी गलत राह ते नहीं तुरेगा। तो इस करके आपां जेकर अपने बच्चे दे लिए कुछ चंगा करना चाहते हैं तो सिर्फ महंगे महंगे कपड़े महंगे खड़ौने ही लिया के नहीं देने, ओदी जिंदगी दा सब तो अनमोल तोहफा देना है, ते अनमोल तोहफा है गुरु दा ज्ञान। गुरु दे लड़ तां ला सकदे हां जेकर आपां खुद गुरु दे लड़ लगे हां, गुरु दा ज्ञान हासिल कर रहे हां, आप भी रोज ही गुरबाणी दा पाठ करना, अपने बच्चे नूं भी रोज नाल बिठा के गुरबाणी दा पाठ करवाउणा चाहीदा है। रोज आप गुरु घरे जाना, बच्चे नूं भी नाल लैके जाना। पर बहुते मां बाप की कहिंदे ने, ओह कहिंदे कि असीं तां गुरु घरे जांदे हां, गुरु घर जांदे हां, गुरबाणी दा पाठ भी करदे हां, अपने बच्चियां दे लई अरदास बेनती भी करदे हां, पर बच्चियां दा टाइम टेबल ही इस तरह बनिया है कि उन्हां तो पाठ नहीं कीता जांदा, ओह गुरु घरे नहीं जा सकदे, कि जिस तरह बच्चे सवेरे उठ के मसां ही तैयार हो के उन्हां नूं स्कूल भेजदे आ, स्कूल तो आके स्कूल दा काम भी करना है, फिर बच्चे ने खेडना भी आ, बच्चे ने आराम भी करना है, तां किहड़े वेले उन्हां नूं गुरु घरे लैके जाइए ते किहड़े वेले ओह गुरबाणी दा पाठ करन। इस करके साडा बच्चा अजे तक गुरबाणी दा पाठ करन नहीं लगा जां गुरु घरे नहीं जांदा, तां उन्हां मां बाप दे अगे बेनती आ कि ऐतवार दा दिन सब तो वधिया दिन आ, छुट्टी दा दिन आ, मां बाप भी घर आ, बच्चे भी घर आ, इस दिन नूं सिर्फ आराम करन दे लई नहीं रखना कि ऐतवार दा दिन आ तां अज खूब सौना है आराम करना है जां फिर कितें ना कितें घूमण फिरन जावांगे। हाँ ये भी काम करने जरूरी है, पर नाल अपनी जिंदगी का पक्का नियम बनाओ कि हर ऐतवार अपने बच्चियां नूं नाल लैके गुरु घरे जाना है, भावें सवेर वेले जाओ शाम वेले जाओ, चाहीदा तां रोजाना ही है, पर जेकर रोजाना नहीं जा पाते तां ऐतवार दे ऐतवार ही गुरु घरे जाना चाहीदा है, जाके गुरु की गोद विच बैठ के कथा कीर्तन सुनना, गुरु का ज्ञान हासिल करना, गुरु घरे जाके सेवा करनी, तो देखना साड़ी अते साड़े बच्चे की जिंदगी दे किन्ने दुख दूर हो जाएंगे, साड़े मन में शांति सुकून मिलेगा, सही राह मिलेगा। गुरबाणी का पाठ जरूर करना है, पहली गल तो रोज रोज बच्चे को कि जेकर ज्यादा समा नहीं ना कढ़ सकदे तां 5 मिनट बैठ के ही मूल मंत्र जी का जाप कर ले, वाहेगुरु जी का जाप कर ले, पर स्कूल तो जाने तो पहला बच्चा गुरबाणी का पाठ करके जाए, गुरु अगे अरदास बेनती करके जाए। जेकर इन्ना समा अते हर ऐतवार दे ऐतवार अपने बच्चे नूं नाल बिठा के गुरबाणी का पाठ करना चाहिदा है। जेकर बच्चे ने अजे गुरबाणी का पाठ करना शुरू नहीं किया तो शुरुआत जपजी साहब जी के पाठ तो करिए, सुखमणी साहब जी का पाठ पूरे परिवार नूं रल के करना चाहिदा है। अते जेड़े परिवार कह दिंदे ने कि असीं रोज सुखमणी साहब जी का पाठ नहीं कर पाउंदे क्योंकि 1-1.5 घंटे का समा कढ़ना मुश्किल हो जाता, तो उन्होंने भी चाहिए कि हर ऐतवार दे ऐतवार सुखमणी साहिब जी का पाठ जरूर किया जाए, और जेकर पूरा परिवार रल के पाठ करिए तो सब तो वधिया होगा। तो फिर आओ अज तो अपने घर दे विच ए नियम बनाईए कि जेकर हर रोज बच्चा पाठ नहीं कर रहा, गुरु घर नहीं जा रहा, तो ऐतवार दे ऐतवार उन्हें गुरु घरे लैके जाना है, गुरबाणी का पाठ करवाना है, तो देखना सतगुरु सच्चे पातशाह आपे ही कृपा करके साडे बच्चे नूं अपने चरणां नाल अपने ज्ञान नाल जोड़नगे। तो बस देर गुरु दे ज्ञान मिलन दी है, जिस दिन गुरु दी शरण विच आ गए सतगुरु सच्चे पातशाह ने कृपा करके सब काम आपे ही करवा लेने आ। पहली गल तो रोज रोज अपने बच्चे दे लई समा कढ़ना चाहीदा है, पर कई मां बाप कह दिंदे कि असीं खुद नौकरी करदे आ तो शाम वेले ही बच्चियां दे नाल मेल मिलाप हुंदा है, तां उन्हां नूं ऐतवार वाले दिन अपने बच्चियां नूं पूरा समा देना चाहीदा है, बच्चियां दे कोल बैठ के उन्हां दे दिल दी गल जानो, खास करके मावां, क्योंकि मावां तां अपने बच्चे दे मन नूं पढ़ लैंदियां ने, तां बच्चे दे कोल बैठ के ओहदी पढ़ाई बारे पुछो, ओहदे दोस्तां बारे गलबात करो, इस तरह सानूं साडे बच्चे दे मन दे हालातां दा पता लगदा रहिंदा है, अते बच्चे नूं वी पता हुंदा है कि मेरे मां बाप नूं मेरी जिंदगी दे विच की चल रिहा है, उन्हां नूं मेरी फिकर आ।